हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पेशावर चैनल एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बोयला के बारे में। चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक है। आज हम बोयला के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक पेशावर चैनल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और क्लिक द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो। डियर स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट से तक एंड तक वॉच करते रहे ताकि आपका कॉन्सेप्ट अबाउट बोयला के बारे में क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, बोयल एक्चुअली एक इंग्लिश साइंटिस्ट था। ओके, ये क्या था, एक इंग्लिश साइंटिस्ट था और बोयल का फुल नेम है रॉबर्ट बोयल। ओके, इंग्लिश साइंटिस्ट था, ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट था और बोयल का फुल नेम है रॉबर्ट बोयल। डियर स्टूडेंट, रॉबर्ट बोयल ने 1662 में बोयला प्रेजेंट किया। ओके, 1662 में रॉबर्ट बोयल ने बोयला प्रेजेंट की। ओके, नोट दिस पॉइंट, सो इंपॉर्टेंट। डियर स्टूडेंट, बोयल ने आपस में वॉल्यूम एंड प्रेशर आपस में रिलेट किया। नोट दिस सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोयल ने वॉल्यूम एंड प्रेशर आपस में रिलेट किया। एट व्हाट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। नोट दिस पॉइंट, सो इंपॉर्टेंट, ए कांस्टेंट टेम्परेचर। डियर स्टूडेंट, बोयल ने वॉल्यूम एंड प्रेशर आपस में रिलेट किया। एट व्हाट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। डियर स्टूडेंट, वॉल्यूम एंड प्रेशर को किस तरह रिमेंबर करना है कि बोयल ने वॉल्यूम एंड प्रेशर आपस में रिलेट किया। तो डियर स्टूडेंट, ये वर्ड रिमेंबर करें, VIP। VIP से आई हटा का हटाओ तो इससे बन जाता है, वाई हटा करके तो इससे बन जाता है VP। ओके, वी मीन्स व्हाट, वी मीन्स वॉल्यूम, वी मीन्स वॉल्यूम एंड पी मीन्स प्रेशर। ओके, इट इज क्लियर। नो डियर स्टूडेंट, आज अब स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। स्टेटमेंट, डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू बॉयल दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस, जो वॉल्यूम है गिवन गैस का, वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है टू व्हाट, टू टेम्परेचर, सॉरी टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, नोट दिस पॉइंट, अकॉर्डिंग टू बॉयल द वॉल्यूम ऑफ अ व्हाट, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। नोट दिस सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो गिवन गैस का वॉल्यूम है वो क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, इनवर्स टू व्हाट, टू प्रेशर। ये प्रेशर के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनल है। एट व्हाट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, देन वॉल्यूम एंड व्हाट एंड प्रेशर आपस में क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अब इनवर्स प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, डियर स्टूडेंट, अगर एक चीज़ का वैल्यू इंक्रीज होता जा रहा है देन द सेकेंड इज डिक्रीज। अगर एक चीज़ का वैल्यू डिक्रीज करे देन द सेकेंड इज इंक्रीज। ये है मीनिंग ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शनल। नोट दिस पॉइंट, अगर एक चीज़ का हम वैल्यू इंक्रीज करें देन द सेकेंड वाला वैल्यू इज डिक्रीज। अगर हम एक चीज़ का वैल्यू डिक्रीज करें देन द सेकेंड वाला इज व्हाट, इंक्रीज। नो डियर स्टूडेंट, अब मैथमेटिकली एक्सप्लेन करते हैं बॉयल लॉ। मैथमेटिकल फॉर्म, डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू बॉयल दैट द वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, तो यहां पर ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हटाने के लिए हमें यहां पर कांस्टेंट पुट करना है, KB। ओके, नोट दिस पॉइंट, वी इज इक्वल टू KB वन आवर P। तो डियर स्टूडेंट, मैंने ये प्रोपोर्शनल को, प्रोपोर्शनल साइन को खत्म कर दिया और इसकी जगह पर मैंने KB पुट कर लिया। KB इज द कांस्टेंट, ये क्या है, एक कांस्टेंट है ऑफ बोयला, कांस्टेंट ऑफ बोयला। ओके, नो डियर स्टूडेंट, VP इज इक्वल टू KB, दिस इज द मैथमेटिक फॉर्म ऑफ बोयला। डियर स्टूडेंट, बोयल का जो स्टेटमेंट हम इसी तरह भी डिफाइन
डिफाइन कर सकते हैं, जो बॉयल का स्टेटमेंट हम इस तरह भी कर सकते हैं, ओके, बॉयल का स्टेटमेंट हम इस तरह भी कर सकते हैं दैट द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर, द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर रिमेन सेम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वॉल्यूम एंड प्रेशर का प्रोडक्ट रिमेन सेम है अगर टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, ओके। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो देन द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर रिमेन सेम। नोट दिस पॉइंट सो इंपॉर्टेंट। नोट डियर स्टूडेंट, हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट बोला वी वन पी वन इज इक्वल टू वी टू पी टू, ओके। हम इस तरह भी लिख सकते हैं दैट वी वन पी वन इज इक्वल टू वी टू पी टू, ओके। मैंने आपको कहा दैट वी कैन दैट बोयला का स्टेटमेंट हम इस तरह भी कर सकते हैं दैट द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर रिमेन सेम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो देन टेम्परेचर कांस्टेंट हो देन प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन सेम होता है, ओके। नोट डियर स्टूडेंट, हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट बोला वी वन पी वन इज इक्वल टू वी टू पी टू, ओके। डियर स्टूडेंट, वी वन मीन्स इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, ओके। पी टू मीन्स व्हाट, इनिशियल प्रेशर, ओके। एंड वी टू मीन्स फाइनल वॉल्यूम, पी टू मीन्स फाइनल प्रेशर, फाइनल प्रेशर, ओके। नोट दिस पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नोट डियर स्टूडेंट, अब आते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की तरफ, ओके। आप एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं बोयला का, आप इसे नोट करते रहे, वीडियो को पॉज करें और इसे स्क्रीनशॉट ले ले। अब करते हैं बोयला का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। नोडियर स्टूडेंट, अगर हम गैस ले ले एक कंटेनर में डाले, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक कंटेनर और मैंने गैस लिया और इसमें डाला, ओके, इसमें डाल दिया। तो इस कंटेनर का जो पिस्टन है वो क्या है, वो है मूवेबल एंड फ्रैक्शनल लेस। क्या है, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल लेस। नोट दिस पॉइंट, इसका जो पिस्टन है वो क्या है, मूवेबल एंड फ्रैक्शनल लेस, ओके। यह एक सिलेंडर, यह है पिस्टन इस सिलेंडर का। डियर स्टूडेंट, मैंने इस में गैस डाला, ठीक है। डियर स्टूडेंट, अगर मैं इस पर प्रेशर एग्जर्ट करूं, ठीक है, अगर मैं इस पर प्रेशर इंक्रीज करो देन द वॉल्यूम बिकम डिक्रीज बिकॉज वॉल्यूम एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट द वॉल्यूम बिकम डिक्रीज, ओके। यह है पिस्टन, नोटियर स्टूडेंट, आपने देखा कि जब मैंने इस पर प्रेशर इंक्रीज कर दिया, जब मैंने इस पर प्रेशर इंक्रीज कर दिया प्रेशर, ओके, प्रेशर, देन द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डिक्रीज। यहां पर आपने देखा कि क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। डियर स्टूडेंट, अगर मैं फिर दोबारा इससे प्रेशर डिक्रीज करो, प्रेशर में अगर डिक्रीज करो, ओके, देन द वॉल्यूम इज अगेन इंक्रीज, ओके। यहां पर आप देख सकते हैं अगेन कि मैंने इससे प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज कर दिया एंड द पिस्टन अगेन गो टू इट्स ओन प्लेस, ओके। तो यहां पर आप देख सकते हैं अब वो ओरिजिनल जगह पर आ गया बिकॉज मैंने इस पर प्रेशर डिक्रीज कर दिया। नो, एक्सपेरिमेंटल
मैंने इसका वेरिफिकेशन कर लिया दैट द बॉयल बाबा जी का जो बॉयल था वो क्या है ऑल राइट है. ओके वो क्या है राइट है. इफ वी इंक्रीज प्रेशर देन द वॉल्यूम इज डिक्रीज. ओके वॉल्यूम इज डिक्रीज इफ वी इंक्रीज प्रेशर. ओके वॉल्यूम और प्रेशर आपस में क्या है इनवर्स प्रोपोर्शनल है. नो डियर स्टूडेंट आप आते हैं डायग्रामेटिकली की तरफ एंड ग्राफिकल की तरफ. ओके दिस इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन. अब इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हुआ अगर हम प्रेशर इंक्रीज करें देन द वॉल्यूम आपने देखा डिक्रीज. अगर हम प्रेशर डिक्रीज करें देन द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज इंक्रीज. ओके आपने देखा कि मैंने जब प्रेशर इंक्रीज किया देन द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डिक्रीज. ओके और जब मैंने प्रेशर डिक्रीज कर दिया देन द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज इंक्रीज. नोटिया स्टूडेंट आप आते हैं आप करते हैं ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल बाबा जिला. ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल बाबा जिला. ओके नोटिया स्टूडेंट ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इनके दरमियान यह है ग्राफ. ओके दिस इज अ वॉल्यूम. ओके एंड दिस इज द प्रेशर. डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता जा रहा हूँ इफ आई इंक्रीज द प्रेशर देन द वॉल्यूम इज इन डिक्रीज. यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम बिकम डिक्रीजिंग. यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं और इंक्रीज करो प्रेशर. ओके अगर मैं और इंक्रीज करो देन अगेन टू डिक्रीज. यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं और इंक्रीज करो प्रेशर सॉरी अगर मैं और भी इंक्रीज करो प्रेशर देन द वॉल्यूम बिकम हियर. ओके डिक्रीज डिक्रीज और अगर मैं और भी इंक्रीज करो प्रेशर देन वॉल्यूम बिकम हियर. यू कैन सी और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं और भी इंक्रीज करो देन. ओके यहाँ पर आपने देखा दैट वॉल्यूम और प्रेशर आपस में क्या है इनवर्स प्रोपोर्शनल है. तो अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपने यहाँ पर देखा दैट वॉल्यूम एंड प्रेशर क्या है आपस में इनवर्स प्रोपोर्शनल है. वी आई पी आई हटा करके इसे बन जाता है वी पी. वी मीन्स वॉल्यूम पी मीन्स प्रेशर. ओके वी आई पी पर्सन. ओके वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बट इफ यू रिमूव आई देन इट बिकम वी पी. ओके वी पी मीन्स वॉल्यूम एंड पी मीन्स प्रेशर. तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने ग्राफिकली भी आपको बताया अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता जा रहा हूँ देन द वॉल्यूम बिकम डिक्रीज. आपने यहाँ पर देखा देन द वॉल्यूम डिक्रीज 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 डिक्रीज. ओके तो आपने यहाँ पर देखा कि वॉल्यूम और प्रेशर आपस में क्या है इनवर्स प्रोपोर्शनल है. आप करते हैं डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन. सो इम्पॉर्टेंट आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें और एग्जाम के लिए तैयारी कर लें. सो इम्पॉर्टेंट है फॉर एग्जाम के लिए भी. नोटिस स्टूडेंट डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन अब करते हैं बॉयल बाबा जी का जो बॉयल ला है अब डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसका करते हैं. ओके नो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं आप करते हैं डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम. आप देख सकते हैं. ओके नो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूं यह है बड़ा पी. ओके ये बड़ा पी देन द वॉल्यूम बिकम डिक्रीज छोटा पी वी सॉरी तो मैं यहां पर लिखता हूं छोटा वी. ओके मैंने प्रेशर इंक्रीज कर दिया देन द वॉल्यूम बिकम डिक्रीज. यहां पर आप देख सकते हैं अगर मैं प्रेशर थोड़ा कम करूं देन वॉल्यूम इज इंक्रीज. यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम इज इंक्रीज. अगर मैं और भी प्रेशर कम करूं ओके देन द वॉल्यूम बिकम इंक्रीज. यहाँ पर आप देख सकते हैं
अगर मैं और भी प्रेशर कम करूं, ओके, देन द वॉल्यूम बिकम और इंक्रीज, ओके, अगर मैं और भी कम करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इट बिकम और इंक्रीज। नोटिए स्टूडेंट, दिस इज द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल बबाजिला, ओके। नो डियर स्टूडेंट, आई होप दैट यूर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर अबाउट बोयला। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो देन लाइक शेयर विद फ्रेंड, आल्सो कमेंट अबाउट दिस वीडियो। थैंक फॉर वॉचिंग।